फिरोजाबाद के विकास भवन परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजन का किया गया। इस दौरान 296 जोड़ों ने शादी के बंधन में बंधे। इस मौके पर प्रशासनिक अफसरों के साथ टूंडला विधायक भी मौजूद रहे। रविवार की दोपहर करीब 2 बजे फिरोजाबाद के विकास भवन परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 296 जोड़े शादी के बंधन बंधे। इस मौके पर टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह घनगर और महापौर कामिनी राठौर और बीजेपी नगर अध्यक्ष के साथ प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। सामूहिक विवाह समारोह समाज कल्याण व मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किया गया है, जिसमें 30 मुस्लिम जोड़े भी सामूहिक परिणय सूत्र बंधे है। वर वधु को शादी का अनुदान भी दिया गया। सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में चल रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा द्वारा ये कार्यक्रम हर वर्ष और हुआ है 30 का मुस्लिम समुदाय का हुआ है। ये मिलाकर के 296 जोड़ों का आज ये कार्यक्रम रहा है शादी का। तो मैं हम सब लोग बधाई देना चाहते हैं सभी उत्तर प्रदेश के सभी, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे भी संगठन के सभी पदाधिकारी हों। हम सब लोगों का भी सौभाग्य मिला है कि उन्हें आशीर्वाद देने का ऐसा मौका मिला। तो ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा द्वारा हो रहा है। उन्होंने चिंता की है गरीबों की, कि गरीब के परिवार में कोई बेटी शादी से संबंधित कोई कष्ट परिवार में ना हो, तो उन्होंने सारा खर्चा 51,000 रुपये का खर्चा उठाया है, जिसमें 35,000 रुपये उनके खाते में सीसीटीवी डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है और लगभग 10,000 रुपये का उन्हें सामान देने का काम किया है। लगभग 6,000 रुपये की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। तो ये सारा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा।